दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच अरसे से चल रहे विवाद में एक और नई कड़ी जुड़ गई है। उपराज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार के 15 वकील नियुक्त करने के फैसले को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली सरकार ने पिछले साल एलजी की सहमति के बगैर वकीलों की नियुक्ति कर दी थी। केजरीवाल सरकार ने नियुक्ति से जुड़ी फाइल को पोस्ट फैक्टो अप्रूवल के लिए एलजी के पास भेजा था, लेकिन एलजी ने फाइल लौटा दी। एलजी ने दिल्ली सरकार को कहा है कि इन वकीलों को नियुक्त करने के फैसले को सरकार तुरंत वापस ले। उपराज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार के 15 वकील नियुक्त करने के फैसले को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है, यानी कि एक और विवाद अब सामने आ गया है सरकार और उपराज्यपाल के बीच। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच अरसे से लगातार विवाद देखने को मिल रहा है, एक और इसमें कड़ी जुड़ गई है और ये कड़ी है सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार के 15 वकील नियुक्त करने के फैसले को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है।